एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि हरियाणा में अब सरकार बनाएंगे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। ये समाज को तोड़ने वाले लोग, नायब सैनी ने कहा कि ये समाज को, आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि ये समाज को तोड़ने वाले लोग। और आम आदमी के जो नेता है उनका जन्म जिस मंच से हुआ था और जो उन्होंने बातें कही थी, देश के सामने कही थी, प्रदेश के सामने कही थी, उसके उल्ट वो निकले हैं। एक कहावत है हमारे हरियाणा के अंदर, कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो कहावत ये आम आदमी के ऊपर लागू होती है। ये बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से विचार कदम आगे, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो ये मानसिक संतुलन से ग्रसित लोग हैं और इनको कहीं ना कहीं आवश्यकता है वो चेक कराने की।